श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन शंकराचार्य श्री ज्ञानानंद जी द्वारा कथा के अंतिम पड़ाव में धर्म और प्रजा का अर्थ बताते हुए कहा कि मनुष्य को धर्म वहां बचाता है जहां बचाने वाला कोई नहीं होता। धर्म का रास्ता अपने परिवार और समाज को ज्ञान की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। वहीं कथा के सातवें दिन श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। समापन के अवसर पर कथा श्रवण करने वाले श्रद्धालु संगीतमय कथा श्रवण में रमते झूमते नजर आए। कथा का समापन समय पर भंडारे का आयोजन किया गया। पीथमपुर से संजय सुनकरा की रिपोर्ट। धर्म की भक्ति पूरे देश में होना चाहिए। क्योंकि धारणा तो धर्म मिथ्या हो धर्मो धार्यते प्रजा। जब प्रजा धर्म को धारण करती है तो प्रजा की भक्ति तस्मात् सहायार्थ यत्र कोपि न रक्षिता। धर्म हमारी वहाँ रक्षा करता है जहाँ हमारा कोई रक्षक नहीं होता है। इसलिए धर्म धारण करना परम आवश्यक है। भगवत कथा का आयोजन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक का रखा गया था। जन कल्याण, नगर में सुख समृद्धि सुख शांति हेतु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज के श्रीमुख से भगवत कथा का वाचन चल रहा है। 13 तारीख को विशाल कलश यात्रा निकाली गई जिसमें नगर के श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में हजारों की संख्या में भाग लिया एवं नगरपालिका अध्यक्ष कविता संजय वैष्णव जी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र जी पटेल एवं समस्त गणमान्य लोग उपस्थित हुए एवं प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और भगवत कथा चल रही है। आज भगवत कथा की पूर्ण आहुति है और कल विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। महाप्रसादी का वितरण होगा और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नगर में सुख समृद्धि हो सुख शांति हो, ऐसी कामना के साथ यह आयोजन हमने किया है जिससे कि सारे नगर में खुशहाल वातावरण हो। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, जयसवाल परिवार की ओर से समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपका हम सुभाष जयसवाल, सभापति नगरपालिका पीथमपुर, प्रदेश अध्यक्ष जयसवाल समाज मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।